की शुरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। सास ने करवाई अपनी बहू की दूसरी शादी क्योंकि वो हो चुकी थी विधवा और सास ने बोला कि बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में उसके साथ हो क्या गया। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहां से आ रहा है, उनकी सास का क्या कहना है और उस लड़की का क्या कहना है, इसके ऊपर हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। राज मिरंजन की शादी हुई लिली से और उस शादी के दौरान दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। और जो राज मिरंजन है वो एक कोयले की फैक्ट्री में काम किया करते थे और काम के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और जो लिली है वो काफी भरी जवानी में विधवा हो गई। और विधवा होने के साथ साथ सब लोग काफी ज्यादा दुखी थे और उसी दौरान ही वहां पर जब ये सब चीजें देख रही थी उनकी सास और सास ने फैसला किया कि इतनी भरी जवानी में वो विधवा हो गई तो आगे वो अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करेगी, तो वो भी काफी ज्यादा दुखी थी। और उस दौरान उन्होंने इस टाइम पे एक बड़ा फैसला लिया कि उन्होंने सोचा कि जो उनकी बहू है वो बेटी के समान है तो उसकी भरी जवानी में उसको ऐसे नहीं रख सकते, उसकी शादी करवानी चाहिए। उन्होंने अपने ही भाई के बेटे से लिली की शादी करवाई और उस दौरान लिली पहले मान नहीं रही थी, लिली को समझाया, समझाने के बाद शादी करवाई और वहां पर भी परिवार वाले सब मान गए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल या पहले भी जो कि अपना रीति रिवाज चलते आते हैं, जो अगर लड़की विधवा हो जाए तब उस दौरान उसको आगे शादी करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या तो समाज ही कहीं ना कहीं समाज चाहता कि शादी कर ले और कहीं ना कहीं समाज चाहता कि विधवा फिर दूसरी शादी करेगी, और अगर शादी करने जाते हैं तो लोग उस विधवा से शादी नहीं करना चाहते और बोलते हैं कि ये तो विधवा, ऐसे शादी नहीं की जा सकती है चाहे वो भरी जवानी में क्यों ना रहे। और ऐसी जो सास है वो सास के बारे में सुन के हर कोई काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है, जहां पर सास को काफी ज्यादा बुरा भला बोला जाता है और यहाँ पर जो सास सामने निकल के आई है ये माँ से भी बड़ा काम कर गई है। तो आई होप गाइस आप लोगों को इस सास के बारे में जान के अच्छा लगा होगा और लिली की जिंदगी जो आगे शुरू हुई है उसके लिए आप शुभकामना भी बहुत ज्यादा देंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट करते हुए जरूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।